तो लिख रहा है तो सिंपल। माइसेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय अनंतपुरा कोटा। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और ये जो नवाचार है महाविद्यालय के द्वारा जो हमने YouTube चैनल बनाया है, मैं चाहती हूँ सभी जो प्रशिक्षणार्थी हैं इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नोटिफिकेशन के लिए आप देखेंगे एक बेल आइकन आया हुआ है, उसे क्लिक करें। अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, क्योंकि अगर कोरोना महामारी फैलती है तो आप देखेंगे भारत की जो विकास दर है उसमें हम बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। जो पैसा हमारे विकास के लिए खर्च होना चाहिए था वो इस महामारी की रोकथाम के उपायों में खर्च हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, समाज के शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम महामारी को अपने द्वारा भी रोकें, अर्थात सामाजिक डिस्टेंस बनाए रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सबको सिखाएं। चलिए आज हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की। जीन प्याजे ने एक विकास का सिद्धांत दिया है जिसे संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हम परिचय की ओर चलते हैं कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया तो जीन प्याजे कहाँ के रहने वाले थे? तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन प्याजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने आप देखेंगे कि इन्होंने बाल विकास पर अनेक अनेक प्रयोग किए हैं और इन्होंने बहुत सारी अपनी पुस्तक भी लिखी हैं। और आप देखेंगे साथ में कि जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने अर्थ बताया है मानसिक क्रियाओं से। संज्ञानात्मक विकास का मतलब है मानसिक क्रियाओं से। जैसे कैसी होती है मानसिक क्रियाएं, कौन कौन सी होती हैं? प्रत्यक्षीकरण है, अवधारणा का निर्माण है, अमूर्तीकरण है, समस्या समाधान है, चिंतन है, बुद्धि है आदि। अगले चरण में हम जाते हैं सिद्धांत पर पहुंचने से पहले, संज्ञानात्मक विकास को समझने से पहले। ये छोटे छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, छोटे छोटे से थीम हैं, अवधारणाएं, इन्हें समझना भी आवश्यक है। प्याजे के अनुसार बुद्धि का विकास वंशानुक्रम, वातावरण व परिपक्वता के बीच अंतःक्रिया होने से होता है। व्यक्ति सतत वातावरण के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहता है। सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें ज्ञानात्मक विकास होता है। इस सामंजस्य का उद्देश्य व्यक्ति को साम्यावस्था में लाना होता है, जिसे प्याजे ने साम्यीकरण की प्रक्रिया कहा है। यहाँ देखिए हमने डबल अंडरलाइन की हुई है ये बताने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है संज्ञानात्मक विकास का जनक कौन है या संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था। तो जीन प्याजे जो स्विट्जरलैंड के हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दिया था। और आप साथ में ये भी देखेंगे, एक प्रश्न ये भी बनता है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी। कभी कभी उदाहरण के द्वारा भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है जीन प्याजे। अब हम थोड़ा सा परिचय पढ़ते हैं कि इन्होंने कौन सी किताबें लिखी है, कौन सी किताब इनकी मुख्य है। तो आप देखें जीन प्याजे ने विज्ञान में बहुत बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं जीव विज्ञान में बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में संरचनात्मक विकास पर बहुत बल दिया है, विशेष बल दिया है। प्याजे ने आप देखेंगे कि अल्फ्रेड बिने के साथ भी 1922 में 1923 में उन्होंने बाल विकास पर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। एक इन्होंने पुस्तक लिखी बालक के विचारों की भाषा, ये सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक रही है। प्याजे ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सतत विकास जो समाजीकरण होता है या सामान्यीकरण होता है, तो आप देखेंगे उन्होंने कहा जो संतुलनीकरण है, वो संतुलीकरण जो होता है वो विकास की एक अनिवार्य स्थिति होती है, अनिवार्य शर्त होती है। इसके बिना संज्ञानात्मक विकास संभव ही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास में आने से पहले हम बहुत सारी जो छोटी छोटी टर्म हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे आत्मसातीकरण क्या होता है, कौन संक्रिया क्या होती है, स्कीम क्या होता है,
स्कीमा क्या होता है, मानसिक क्रियाओं पर हम बात कर ही चुके हैं, तो एक एक स्टेप पर आते हैं। अब मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताऊंगी कि स्कीमा क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके हम तीन पहलुओं की बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं, देखिए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तीन पहलू कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है संरचनाओं का स्वरूप, फिर है मानसिक विकास की अवस्थाएं और ज्ञानात्मक क्रियाएं। तीन हैं ये विकास के पहलू। अब हम बात करेंगे मानसिक संरचनाएं क्या होती हैं। तो आप देखेंगे जो ये संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे ने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का पूरा जो केंद्र बिंदु है वो मानसिक संरचनाएं हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो आधार है वो भी मानसिक संरचनाएं हैं। अब देखिए मानसिक संरचनाएं क्या है और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ये बुद्धि का एक संगठनात्मक स्वरूप है, ये व्यवहार का एक संगठनात्मक स्वरूप है। प्राणी बाहरी जगत का ज्ञान इन्हीं के द्वारा प्राप्त करता है। और मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मानसिक संरचनाएं बुद्धि की संगठनात्मक व्यवहार का संगठनात्मक स्वरूप है, जिसका आभास व्यवहारों के आधार पर होता है। उन्हें मानसिक या मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कहा गया है। प्राणी इसी बाह्य जगत का ज्ञान इन्हीं मानसिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है। मानसिक संरचनाओं का जो विकास है वो प्याजे के सिद्धांत का केंद्र बिंदु कहा जाता है। अब देखेंगे हम बात करें स्कीम की, यहाँ लिखा हुआ है कि नवजात शिशु में प्रारंभ में, आप व्हाइट बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि नवजात शिशुओं में प्रारंभ में ये संरचनाएं नहीं होती, उसमें कुछ सामान्य कार्य करने की प्रवृत्ति या स्वतः क्रियाएं होती हैं। वह इन्हीं क्रियाओं का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करता है, जो धीरे धीरे परिवर्तित होकर मानसिक संरचनाओं का रूप ले लेती है। शिशु अवस्था की इन संरचनाओं को ही जीन प्याजे ने स्कीम या सेंसरी मोटर स्कीम कहा है, जो आगे चलकर ऑपरेशनल स्कीम का रूप ले लेती है। सेंसरी मोटर स्कीम के अंतर्गत क्या क्या आता है इस बात को भी हम देखते हैं। चूसना, देखने की, सुनने की, पकड़ने की आदि क्रियाएं इस सेंसरी मोटर स्कीम के अंतर्गत आती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर जो भी संरचनाएं बनती है उसे हम स्कीम कहते हैं। तो हम बात करेंगे स्कीम है, स्कीमा है, स्केमेटा है। स्कीम क्या होती है मैंने अभी आपको बताया, इसकी को हम सेंसरी मोटर भी कहते हैं। मानसिक संरचना इसका केंद्र बिंदु है। स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, कभी एक नंबर का यदि आपका प्रश्न बनता है कि स्कीमा क्या है या स्कीम क्या है, तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे हम टर्म समझने के बाद सीधे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की ओर चलेंगे। पहले टर्म समझना बहुत आवश्यक है कि आत्मसाथीकरण क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, असिमिलेशन क्या होता है, आत्मसाथीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, स्कीम क्या है, स्कीमा क्या है, स्केमेटा क्या है। तो हम ये छोटे छोटे से टर्म समझने के बाद अवस्थाओं की ओर चलेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कीमा के बारे में कि स्कीमा क्या होता है। अभी हमने बात की स्कीम के बारे में, अब हम बात करेंगे स्कीमा के बारे में कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, ज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्याजे ने स्कीमा किसको कहा है। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखिए टर्म क्या है स्कीमा की। स्कीमा एक अवधारणा है, एक वर्ग है
जो मूल प्रवृत्ति तुल्य है तथा समान क्रियाओं के क्रम को स्पष्ट करते हैं। अब देखिए पियाजे क्या कहते हैं स्कीमा के बारे में। पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक क्षमता वाणी एवं व्यवहार की जो आधारभूत इकाई है वो स्कीमा है। अब देखेंगे सेंसरीमीटर स्कीमा मतलब व्यवहारिक संरचनाएं। इसका संबंध व्यवहारिक ज्ञान कौशल, अब कौशल में क्या क्या आएगा ये देखेंगे, चलना पकड़ना सुनना देखना आदि आता है। ज्ञानात्मक संरचनाएं, तो देखो ज्ञानात्मक संरचनाओं का संबंध अवधारणा से मतलब इमेज है मतलब प्रतिमा, चिंतन या तार्किक क्षमता से होता है। अब स्कीमा को हम सरल भाषा में समझते हैं। एक बात मुझे क्लिक हो रही है वो भी मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने चिंतन एवं अन्य जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको स्कीमस भी कहा है, इसके मास का शब्द का भी प्रयोग किया है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जीन पियाजे का जो मूल साहित्य था वो फ्रेंच में लिखा गया था, फ्रांसीसी में लिखा गया था, फ्रांसीसी भाषा से है, इसलिए आपको देखेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत अंतर हमें दिखाई देता है। पियाजे के अनुसार स्कीमस कंप्यूटर प्रोग्राम के रूटीन जैसा है, जैसे किसी सेट के इनपुट में वो काम करता है। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाह रही थी, कभी कभी ऐसा हमें लगता है। अब हम बात करेंगे ज्ञानात्मक स्कीमा को। मैं एक और सरल तरीके से आपको बताना चाहती हूँ कि स्कीमा क्या होता है। ये तो एक टर्म है, गले में पता है। स्कीमा की टर्म अभी हमने समझी, हम इसे सरल भाषा में और कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये कठिन लग रहा होगा लेकिन मैं इसे रुचिकर बनाने का प्रयास कर रही हूँ कि आपको जीन पियाजे का सिद्धांत सैद्धांतिक परीक्षाओं में जब ये आपका 6 नंबर का या 8 नंबर का प्रश्न बनकर आए तो आप इसे रटेंगे तो सही ही, लेकिन आप समझ भी लेंगे तो रटना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए स्कीमा की टर्म हमने समझ ली है, लेकिन सरल भाषा में हम इसे कैसे समझें इस पर हम बात करते हैं। हमने कहा है कि सहज क्रियाओं, सहज जितनी भी क्रियाएं होती है सहज क्रियाओं को की जो लक्ष्य निर्धारित श्रृंखला होती है वो मस्तिष्क में एक बिंब बनाती हैं। जो बिंब होता है उसी को आप स्कीमा कह सकते हैं। इसमें प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी अनियंत्रित क्रियाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, उसमें वो संशोधन भी करता है, परिवर्तन भी करता है, समन्वय भी करता है, और ऐसा करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और कालांतर में लक्ष्य तक पहुंचने का ये जो प्रारूप है, जो ये पैटर्न है, जो ये प्राणी के मस्तिष्क पर बैठ जाता है, और हम इसी को स्कीमा कहते हैं। एक उदाहरण देख लिए, बड़ा सरल और सुंदर उदाहरण है, जैसे शिशु या बछड़े का दूध पीना सीखना, ये क्या है, स्कीमा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको स्कीम और स्कीमा की जो टर्म थी वो सरल भाषा में मैंने जो समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ज्ञानात्मक समायोजन की। दो और टर्म है ज्ञानात्मक समायोजन। ज्ञानात्मक समायोजन में दो टर्म है, एक है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। पहले आप टर्म समझ लें फिर मैं उसी तरह आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। देखिए एसिमिलेशन का क्या अर्थ होता है, आत्मसात करने की प्रक्रिया। आपने कुछ भी ग्रहण किया अंदर आपने उसको ग्रहण कर लिया। अब देखो एकोमोडेशन का क्या अर्थ है, समव्यवस्थापन, इसमें बराबर का संतुलन बैठाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए आप, पहला उदाहरण मैं एसिमिलेशन का बता रही हूँ, आत्मसात करने की प्रक्रिया का बता रही हूँ। उत्तेजकों अनुभवों एवं विचारों को अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर जो भी हम अर्थ लगाते हैं और उसका नए ज्ञान और अनुभव के आधार पर जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको समव्यवस्थापन का, एकोमोडेशन का। तो ये देखिए एकोमोडेशन, यहाँ पर आती है नई परिस्थितियाँ। नई परिस्थितियाँ में क्या आ जाएगा, आपके अनुभव ज्ञान और वातावरण के अनुसार अपने पुराने ज्ञान अनुभव और मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन करना।
अब हम बात करते हैं, मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ कि आत्मसातीकरण क्या होता है। तो प्याजे कहते हैं आत्मसातीकरण का मतलब है ज्ञान ग्रहण करने की प्रथम संक्रिया। अब देखिए कैसे, सबसे पहले जो बालक है वो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, और इससे पूर्व जो ग्रहण किया हुआ ज्ञान उसका जो होता है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता, उस पर कोई भी पूर्व अनुभव का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो नया ज्ञान वो सीख रहा है वो उससे प्रभावित नहीं होता। तो इसको हमने कहा है, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, मैंने अभी सीखा ए बी सी, और उसके बाद यदि मैं कलर्स नेम याद करती हूँ रेड ऑरेंज पर्पल सेफ्रॉन, तो इस पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। अब देखिए संवेदी निवेश क्या होता है, सेंसरी इनपुट क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही संवेदी निवेश कहलाती है। अब हम बात करते हैं असिमिलेशन की, कि असिमिलेशन क्या होता है, व्यवस्थापन क्या होता है, समायोजन क्या होता है। तो मैं डिटेल से आपको बताती हूँ कि बुद्धि का विकास दो पूरक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, जिसे प्याजे ने असिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया कहा है। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है, और एकोमोडेशन समव्यवस्थापन के फलस्वरूप होता है। एसिमिलेशन के अंतर्गत व्यक्ति वातावरण से प्राप्त उत्तेजकों का, अनुभवों का, विचारों का और अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर नया अर्थ लगाता है और नई परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाकर समझने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार नए ज्ञान एवं अनुभवों को पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर लाकर आत्मसात करता है, और पुराना जो उसका ज्ञान का भंडार है उसे वो समाहित करता है। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। तो एकोमोडेशन के अंतर्गत नई परिस्थितियों, अनुभव, ज्ञान, अनुभव आदि का वो नई परिस्थितियों में और अनेक जिसमें नई मानसिक संरचनाएँ आती है और जिसमें पूर्व स्थित संरचनाएँ भी हैं उनमें आपस में समव्यवस्थित कर जब वो व्यवस्थित हो जाती हैं तो उन संरचनाओं का संगठन भी व्यवस्थित हो जाता है। देखिए अब हम मैं और आपको सरल तरीके से बताती हूँ व्यवस्थापन क्या होता है, एक्यूमिलेशन क्या होता है। यदि हम बात करते हैं अधिगम के संदर्भ में, तो प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि ये मानसिक संक्रिया का दूसरा चरण है जिसमें बालक अपने आत्मसातीकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, किंतु यदि ये ज्ञान पूर्व अनुभव को प्रभावित करे या पूर्व अनुभव से प्रभावित हो जाए तो दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क में क्या हो जाएगा, असंतुलन स्थापित हो जाएगा या असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। अनुभवों की दृष्टि से मैं बात कर रही हूँ। अब आप देखेंगे जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये स्थिति ही व्यवस्थापन से व्यवस्थापन है, जिसमें अधिगमकर्ता असंतुलन से संतुलन की तरफ जाता है। अब देखिए संतुलीकरण क्या है, जैसे वृद्धि और विकास की अनिवार्य स्थिति है संतुलीकरण। यदि आप वृद्धि और विकास चाहते हैं तो संतुलीकरण बहुत आवश्यक है, इसके बिना विकास संभव ही नहीं है। प्याजे कहते हैं, प्याजे ने क्या कहा है संतुलीकरण के बारे में, देखिए कहते हैं कि संतुलीकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव और नए अनुभवों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है और वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है। इसके बाद अब हम चरण पर आएंगे कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं के बारे में प्याजे ने क्या कहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कक्षा शिक्षण का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने संज्ञानात्मक ज्ञान का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जीन प्याजे की जो थ्योरी है जिसे हम कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, वो उसकी जो टर्मलॉजी थी, जो उसका जो टर्म था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अवस्थाओं पर आएंगे कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई है।